फ्लावर्स के लिए एक होल्डर बनाने के लिए जा रही हूँ और मैं अपने गार्डन में गार्डन प्लांट्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आइए दोस्तों, आज मैं एक नए तरीके से एक DIY वाला प्लांट होल्डर बनाने जा रही हूँ, जिसमें एक ही होल्डर में दो तरह के प्लांट्स को मैं रख सकूँ और वो भी छोटे वाले, क्योंकि ये रिबन्स है तो ज्यादा वेट नहीं ले पाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा मैं क्रिएट करूँ जो बहुत ही देखने में यूनिक भी होगा और मेरे प्लांट्स के लिए सुंदर भी होगा। तो फिर आइए दोस्तों, अगर आप लोग को जानना है कि मैंने ये होल्डर किस तरह से बनाया है तो आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक जरूर रहिए और देखिए कि मैंने किस तरह से इसको क्रिएट किया है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये रिबन 3 कलर्स का, जो मेरे घर में पहले से ही पड़े हुए थे। एक येलो कलर का है और दूसरा है मेरा ये ऑरेंज कलर का, ये देखिए इसमें थोड़ी शाइनिंग वाली है। और थर्ड वाला लिया है मैंने ये ब्लू कलर के रिबन्स। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रोल करूंगी क्योंकि ये बहुत ही लेंथ में है, कहीं ये उलझ ना जाए बनाते बनाते। इसलिए मैं फर्स्ट इसको रोल कर लेती हूँ। रोल करने के बाद ये एक तरह की पिन आते हैं, उसको मैं पिन अप कर दूंगी ताकि जब भी मैं इसको बनाऊं तो फिर ये बीच में ना उलझे। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों। ये वाला भी कर दिया है और अभी ये थर्ड वाला बाकी है। इसको मैं ऐसे ही रोल करके यहाँ पे एक नॉट डाल दूंगी ताकि मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही उलझे रिबन्स, क्योंकि जैसा आपको पता है रिबन्स में बहुत जल्दी गांठ लग जाता है और बनाने में भी हमें तकलीफ होती है। तो इस तरह से मैंने ये तीनों रिबन को रोल कर दिया है और ये देखिए 3 कलर्स के रिबन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे तीनों को एक साथ लेके यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसे करके एक गांठ लगा दिया है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूंगी और जितना लेंथ हो सके मैं उसको बनाऊंगी, बाद में अपने लेंथ के अनुसार उसको मैं सिंगल से कट कर दूंगी। तो इसको मैंने सपोर्ट के लिए रख दिया है एक छोटा सा प्लांटर। तो पहले मैं सारे रिबन्स को अलग कर देती हूँ और कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं हेयर्स की, तो चोटी बनाते हैं बच्चों के, उसी की तरह हमने ये स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लगेगा और मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, मैं जस्ट बना रही हूँ अपने ही आइडिया से। तो इसको अभी मैं गूंथना स्टार्ट कर दूंगी, जस्ट लाइक चोटी बनाते हैं ना उसी तरह से मैं चोटी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी मुझे लेंथ का पता नहीं है और टाइट नहीं करूंगी, लूज करूंगी। टाइट करने से बहुत ही इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ही लूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। और 3 कलर्स के मैंने लिए हैं क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप लोग भी ऐसे करते रहिए और जहां से भी उलझे थोड़ा सा उसको निकालने की कोशिश करिए इस तरह से। खत्म कर दिया है, बस 3 कलर्स की ली है और चोटी की तरह मैंने इसको गूंथना शुरू किया है और काफी लंबी बना ली है। और इसको मैंने 3 फोल्ड किया है, 1, 2 और ये 3। 3 फोल्ड करके यहाँ पे मैंने दोनों तीनों को इक्वल में लेकर इसको देखिए इक्वल भाग में लेकर यहाँ पे मैंने एक गांठ बांध दिया है। और थोड़ा सा मेरे पास ये ब्लू कलर का ये रिबन कम हो गया था तो फिर मैंने अपना दूसरा ग्रीन कलर का यूज किया है। और यहाँ पे एक रिंग का जैसे इसकी भी एक चोटी टाइप का बना के फिर सुई धागे से इसको सिल कर इसको मैंने रिंग कर दिया है ताकि मैं इसको ऐसे हैंग कर सकूं। चाहती हूँ कि इसके नीचे में भी एक लटकन लगाऊं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे करके ये लटकाया हुआ है ना, उसी तरह मैं ये रिबन से भी इसके नीचे में लटकाऊंगी। तो फिर एक और मैं बना रही हूँ इसके नीचे सेम वही स्टाइल से, फिर मैंने इसको हैंग कर दिया है। और मुझे ये 3 जो मैंने डोरियां बनाई है रिबन के थ्रू, अभी मुझे यहाँ पे 2 मैंने गमले लगाना है इस हैंगर में। तो एक यहाँ पे एक होना चाहिए और एक होगा नीचे यहाँ पे। तो फुल डिस्टेंस मुझे चाहिए लगभग इतने में एक चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे एक गांठ बांधूंगी, सेम इस डिस्टेंस पे मैं एक गांठ बांधूंगी। देखिए सिंपल सा ऐसे गांठ बांधना है, रेडी हो गया। और मैंने ये डोरी को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके
बांध दिया है ताकि नीचे ये लटकते रहे, तो थोड़ा टाइट दिया है। अभी देखिए मेरा दो प्लांटर हो गया, एक यहाँ पे मैं रखूंगी और एक यहाँ पे रखती हूँ। तो आप लोग को मैं शो करती हूँ थोड़ा सा, कोई भी एक छोटा सा प्लांटर यहाँ पे रख के, तो आप लोग को फिर पूरा आइडिया हो जाएगा कि कैसा लगता है। तो अभी मैं ये फर्स्ट ऊपर वाले में मैं रखती हूँ, इसके बेस में जहाँ पे मैंने फर्स्ट नॉट लगाया है वहां पे मैं रखती हूँ ये वाला। और जब यहाँ पे वेट पड़ेगा तो ये प्लेट नहीं गिरेगी और ना ही हमें यहाँ पे कोई बांधने की जरूरत है, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक प्लांटर रखते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं रखती हूँ मेरा ये स्पाइडर प्लांट आप लोग को शो करने के लिए। मैंने खासकर इसे स्पाइडर प्लांट के लिए बनाया है, तो इसको अब मैं एडजस्ट कर देती हूँ। और या तो चाहे आप मनी प्लांट्स भी रख सकते हैं, कुछ भी आप टर्टल वाइन बोल रही हूँ, ये बेबी टीयर्स को भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए फर्स्ट हो गया मेरा, एडजस्ट हो गया। जब इसमें वेट आ जाता है तो ये गिरने का चांसेस नहीं है। अभी मैं इसके नीचे रखती हूँ एक और प्लेट, क्योंकि मैंने ये तीन के दो के लिए बनाया है, आप चाहे तो एक के लिए भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये मेरा न्यू प्लांट होल्डर कैसा लगा जरूर कमेंट के थ्रू मुझे बताना। तो जब ये हवा चलेगी तो धीरे धीरे इधर उधर झूमेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा मे बी। तो आप लोग भी बनाइए इस तरह का सिंपल प्लांट होल्डर। और फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।